आपको खुश आमदेद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सऊदी सहाफी जमाल खशुगजी की कातलों को सजा सुना दी गई है और सऊदी अदालत ने 5 अफराद को मौत की सजा सुनाई। 3 मुजरमों को 24-24 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अदालत ने 2 मुलजिमों को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरी होने वालों में सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक नायब सरबराह अहमदुल असीरी भी शामिल हैं। सऊदी सहाफी जमाल खशुगजी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। सऊदी अदालत ने 5 अफराद को सजाए मौत सुना दी जबकि 3 मुलजिमों को उम्र कैद, 2 को अदम शवाहिद पर बरी कर दिया गया। रिहाई पाने वालों में सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक नायब सरबराह अहमदुल असीरी भी शामिल हैं। 2 मुलजिम अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिए गए हैं। इसी आम तरीन केस में सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक नायब सरबराह अहमदुल असीरी को भी बरी कर दिया गया है। सऊदी सहाफी जमाल खशुगजी के कातलों को सजा सुना दी गई है और इसी हवाले से आपको बता रहे हैं सऊदी अदालत ने 5 अफराद को मौत की सजा सुनाई। 3 मुजरमों को 24-24 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 2 मुलजिमों को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी कहते हैं कि बांग्लादेश के पास दौरा पाकिस्तान से इनकार की कोई वजह नहीं है। पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है, उम्मीद है बांग्लादेशी टीम जरूर पाकिस्तान आएगी। उनका मजीद क्या कहना था आइए आपको भी दिखाते हैं। बांग्लादेश बोर्ड से हमने बड़े काफी अरसे से बात हो रही है। इसमें बिल्कुल किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि मैचेस कहाँ होंगे। जो मैचेस होंगे बांग्लादेश या किसी और मुल्क के खिलाफ अब वो पाकिस्तान में होंगे। देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दिस। और मुझे उम्मीद है कि अभी भी बांग्लादेश बोर्ड ज़रा सोच समझ के वो हम यही एक्सेप्ट करेंगे कि कोई वजह नहीं है कि वो पाकिस्तान नहीं आए। और इस वक्त आपको बड़ा रास्ते चलेंगे, वज़ीर इत्तला पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सारी दुनिया ने काउ बॉय तो सुने थे, काउ बॉय का एक बड़ा मशहूर हीरो होता था क्लिंट ईस्टवुड, उसकी फिल्म थी द गुड द बैड द अगली। लेकिन इस टीटी और टाटा के दरमियान जो आले शरीफ की सियासत है, इनमें कैश बॉय की फिल्म पाकिस्तान की पर्दा स्क्रीन पे आले शरीफ की डायरेक्टरशिप में चलती रही। द करप्शन, द मनी लॉन्ड्रिंग, द टीटी, क्लिंट ईस्टवुड काउ बॉय की थी द गुड द बैड द अगली, इनके कैश बॉयज के जरिए से फिल्म चलती है द करप्शन, द मनी लॉन्ड्रिंग, द टीटी। तो मैं ये इनसे गुजारिश करूंगा, ये टीटी टाटा आप करते रहें, लेकिन पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटिव अदारे, पाकिस्तान की हुकूमत इम्पार्शल होकर आपके खिलाफ जो होने वाला एहतसाब है उसको पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करती रहेगी। और आखिरी बात, कैश बॉयज जो आपके हैं और फिर आपके डॉक्टर निसार अहमद गिल और जनाब अली अहमद मलिक, वो ब्रेस्टर शहजाद अकबर साहब पूछ के थक गए हैं पिछले 1 महीने से। जनाबे वाला बता दें उनके साथ क्या ताल्लुक है, आपका क्या लेना देना है, और आगे जो उनके कैश बॉयज़ हैं। तो मेरी वो नारोवाल के अरस्तू एहसन इकबाल साहब से गुजारिश है, अभी आप जा तो रहे हैं नैब के पास, तो ज़रा ये भी बताते जाएं कि ये डॉक्टर निसार अहमद गिल साहब और अली अहमद मलिक साहब कौन हैं। बहुत शुक्रिया। अपोजिशन को तो 2020 में इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है 2020? देखो 2020 में इलेक्शन होगा अडयाला जेल में और कोट लखपत जेल में, और वहाँ पे सदर के लिए शायद जो है वो बेगम सफदर अवान साहिबा कैंडिडेट होंगी, वज़ीर आज़म के लिए अब वो तो भागे हैं पतली गली से जो है ना, बाकी सारे शायद ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। तो कोट लखपत जेल और अडयाला जेल में इलेक्शन हो तो होगा कि जब तक सियासतदान एक दूसरे को तनकीद करते रहेंगे हमारे अदारों में भी मिसकंडक्ट होता रहेगा। आप सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाए, ठीक है आपकी अपोजिशन जब आते हैं, अगर कोई मंसब पर बैठकर जज इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं तो आप सियासतदान खामोश क्यों हो जाते हैं, उनके खिलाफ इस तरह की ज़ुबान क्यों नहीं इस्तेमाल करते? और कहा जा रहा है कि कुछ नफसियाती मरीज भी हमारे अदारों में बैठे हुए हैं, ज़रा खुल कर आज बयान कर देना उनके हवाले से। एक बात तो याद रखिएगा कि इतना खुल के जनाब हम बयान नहीं करेंगे जितना खुल के आप चाहते हैं, ठीक है ना, आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है, वज़ीर इत्तला पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की हुकूमत एहतसाब के अमल को साफ और शफाफ बनाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कराची कुरंगी हादसा
पूरा घर ही उजाड़ गया। वसीम और नदीम वालदैन के दो ही बेटे मकामी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिशियन थे। नाश्ते के बाद मोटरसाइकिल पर फैक्ट्री के लिए निकले तो मौत ने आ लिया। फैक्ट्री इंतजामिया ने घर फोन किया कि वसीम और नदीम काम पर नहीं आए। वालिद ने बेटे के नंबर पर फोन किया तो एक शहरी ने फौरी अस्पताल पहुंचने का कहा। माँ को जिगर के टुकड़ों को की मौत की खबर अभी तक नहीं दी गई। पुलिस ने जवान भाइयों को पहियों तले कुचलने वाले वाटर टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने एक खानदान के दो चश्मो चिराग बुझा दिए। करंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 19 साल मोहम्मद वसीम और 21 साल मोहम्मद नसीम टैंकर की जद में आकर जां बहक हो गए। मुलाजमत के लिए मोटरसाइकिल पर जाने वाले दोनों सगे भाइयों को मालूम न था कि सड़क पर मौत उनका इंतजार कर रही है। हादसे के बाद दोनों भाइयों की लाशों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। बेटों की मौत की खबर वालिद अब्दुल गफूर पर कयामत बन कर गुजरी। वालिद के मुताबिक दोनों भाई करंगी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। पुलिस ने वाटर टैंकर के ड्राइवर नबील को गिरफ्तार करके बयान रिकॉर्ड कर लिया है। ड्राइवर का कहना है कि करंगी दारुल उलूम के सामने पहले दो मोटरसाइकिलों की टक्कर हुई, जिसके नतीजे में वसीम और नसीम स्लिप होकर टायरों के नीचे आ गए। पुलिस ने टैंकर भी तहवील में ले लिया है। सियासी मंजरनामे से खबर दें, रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दूसरी दरखास्त पर समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी तरफ विफाकी काबीना की जानिब से मरियम नवाज की दरखास्त पर फैसला 24 दिसंबर को मुतवक्के है। सरकारी वकील ने अदालत को आगाह कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। जस्टिस अली बाकर नदवी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक ए खान अदालत पेश हुए। उन्होंने बताया कि इस मामले पर कल काबीना के इजलास में दरख्वास्त का फैसला मतवक्को है। उन्होंने इस्तेता की कि मरियम नवाज की दरख्वास्त कबलस वक्त है, लिहाजा मुस्तरद की जाए। मरियम नवाज के वकील ने अदालत से इस्तेता की है कि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद ना की जाए, जिस पर अदालत ने समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज ने मौकफ इख्तियार कर रखा है कि अदालत ने नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को 7 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया था। कई रोज गुजरने के बावजूद हुकूमत ने फैसला नहीं किया, जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क नहीं जा सकती। इस्तदा है अदालत नाम ECL से खारिज करने का हुक्म दे। मरियम नवाज के मुताबिक इनका नाम बगैर नोटिस दिए ECL में शामिल किया गया, जो ECL के कानून की खिलाफ वर्जी है। उनके वालिद नवाज शरीफ लंदन में जेरे इलाज हैं और वालदा की वफात के बाद उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मरियम नवाज पर है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रहमान, आप न्यूज लाहौर। और मजीद बताएं आपको, PTI रहनुमा और मारूफ कानूनदान बाबर आवान का कहना है कि मौजूदा कवानीन पर मरियम नवाज को जाने की इजाजत ना देना कानून की बालादस्ती है। नवाज शरीफ की बीमारी पर हमने कोई सियासत नहीं की, जितने भी बीमार थे वो लंदन पहुंचते ही सेहतमंद हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन हाउस तब्दीली का भी कोई जवाब नहीं और ना ही ऐसा मुमकिन है। परवेज मुशरफ केस में हुकूमत आईनी और कानूनी तरीकाकार अपनाएगी, हुकूमत मुनासिब समझेगी तो परवेज मुशरफ केस के फैसले के खिलाफ अदालत जा सकती है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से उनकी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के लिए जो दरखास्त आई, वो पार्लियामेंट की अंदर से जो कैबिनेट बनती है उसकी कैबिनेट के अंदर से एक कमेटी होती है, सब कमेटी, वो पार्लियामेंट की कैबिनेट ही आप समझ लें, गवर्नमेंट की कैबिनेट ही आप समझ लें, उसके सामने भी यही कानूनी पोजिशन है। इसलिए कोई सियासत इसमें नहीं है, ना उस वक्त जब उन्होंने कहा हम बीमार हैं हमने कोई सियासत की, वो खुद ही बताते रहे काउंट इतने ऊपर गए इतने नीचे गए, लंदन जाते वो काउंट बंद हो गया, ना ऊपर गए ना नीचे गए, किधर गए किसी को नहीं पता। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी में ही फैसला किया, किसी कीमत के ऊपर भी कोई सजा याफ्ता शख्स उसको हुकूमत इजाजत नहीं देगी। इन्होंने जो प्लीड किया है वो चूंकि कोर्ट में, मैं उस पर तरह नहीं करता, लेकिन फिर लॉ अमेंड कर लें, पार्लियामेंट में आ जाएं, कहें जी कि जिसको भी अब्बा जी से मिलने को दिल चाहे उसको जेल से निकाल दिया जाए, उसको मुल्क से जाने की दे, फिर दूसरी बात होगी। इस लॉ की मौजूदगी में इजाजत ना देना खालिस्तन कानून की बालादस्ती है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने LNG केस मिफ्ता इस्माइल की जमानत मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की बुरी जमानत में 1 जनवरी तक तौसी कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अथर मिनल्ला की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की LNG केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मिफ्ता इस्माइल का कितना जिस्मानी रिमांड लिया गया,
क्या नैब की तफ्तीश मुकम्मल हो गई, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मिफ्ता इस्माइल 49 रोज नैब हिरासत में रहे, केस की तहकीकात जारी हैं। अदालत ने मुलजिम जेल में रखने की वजूहात बारे इस्तफसार किया तो नैब प्रोसिक्यूटर ने लीगी रहनुमा के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा जाहिर कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जुर्म साबित होने तक मुलजिम बेगुनाह तसव्वुर होता है, वाइट कॉलर क्राइम में गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं होती। अदालत ने मिफ्ता इस्माइल की जमानत मंजूर करते हुए 1 करोड़ रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। अहम खबर दें, मुतनाज़ शहरियत के कानून के खिलाफ भारतीय शहरी मोदी सरकार पर बरस पड़े, बिल वापस लेने का मुतालबा, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद समेत कई शहरों में फजा आज़ादी के नारों से गूंजती रही। मोदी और बीजेपी के गढ़ उत्तर प्रदेश में हालात कंट्रोल से बाहर हो गए, इंतजामिया ने मुसलमानों की जायदादें जब्त करना शुरू कर दी हैं। यहाँ आपको बताएं, OIC ने भारत में मुसलमानों के साथ नारवा सलूक पर तशवीश का इजहार किया है और भारत को तनबीह की है कि वो मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की हिफाजत करे। OIC सेक्रेटेरिएट से जारी ऐलामिये में बाबरी मस्जिद के वाक़े और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ होने वाले सलूक पर तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा के वज़ा करदा इंसानी हकूक की पासदारी करे, भारतीय इक़दामात से खित्ते के हालात मजीद कशीदा होने का खदशा है। और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत में जारी एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई ना कोई शरारत करने का खदशा जाहिर कर दिया है। कहते हैं सरहद पर लगी बाढ़ को कई जगह से काटा गया है, फौज की गैर मामूली नकलो हरकत भी देखने में आ रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मोदी सरकार के इकदामात के बाइस भारत में इस वक्त कशीदगी उरूज पर है, सेक्युलर इंडिया के नजरिए को दफन कर दिया गया, हिंदू राष्ट्रिया और हिंदुत्व की सोच को मुसल्लत किया जा रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां बढ़ चुकी हैं। इस एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए भारत की तरफ से LOC पर कोई न कोई शरारत दिखाई दे रही है। वजीर खारजा का कहना है कि हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली नई डिप्लॉयमेंट, गैर मामूली नकलो हरकत, बाहमूस मिसाइल और स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलों की तंसीब को रिपोर्ट किया है। इस सारी सूरत हाल के पीछे हमें अमनो अमान को तहोबाला करने का एक सोचा समझा भारतीय मंसूबा दिखाई दे रहा है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वाशिंगटन में 2-2 मीटिंग्स के दौरान पाकिस्तान का तज़किरा भारत के नापाक अज़ाइम का इजहार है। उनका कहना है कि सदर सलामती काउंसिल को इन खतरात से बजरिया खत आगाह कर दिया है, जब 2 एटमी ताकतें आमने सामने हो तो बात खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि बहुत दूर चली जाएगी और इसके असरात आलमी सतह पर होंगे। साथ ही आपको बताएंगे, बड़े सगीर पाक व हिंद की मारूफ गुलुकारा मलका तरन्नुम नूर जहां की आज 19वीं बरसी मनाई जा रही है। मैडम नूर जहां की 10,000 से जायद गजलें और गाने आज भी उनकी याद ताजा रखे हुए हैं। मारूफ गुलुकारा की जिंदगी पर यह रिपोर्ट देखिए। सुरों की मलका तरन्नुम से भरपूर आवाज की मालिक बड़े सगीर पाको हिंद की मारूफ गुलुकारा मैडम नूरजहां। मैडम नूरजहां 21 सितंबर 1926 को कसूर में पैदा हुई। मैडम नूरजहां का असल नाम अल्लाह वसाई था, जिन्होंने अपने फनी करियर का आगाज 1935 में फिल्म पिंडी कुड़ी से किया। मौसीकार गुलाम हैदर ने 1941 में उन्हें अपनी पहली फिल्म खजांची में बतौर प्ले सिंगर पहली बार मुतारिफ कराया। 1947 में उनकी भारतीय लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार के साथ फिल्म जुगनू ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी धूम मचाई कि वो शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। कायम पाकिस्तान के बाद नूरजहां अपने शोहर के हमरा मुंबई से कराची शिफ्ट हो गईं और यहां बेहतरीन गुलकारी और अदाकारी के जौहर दिखाए। 1957 में शानदार परफॉर्मेंस के बाइस सदारती अवार्ड तमगा इम्तियाज और बाद में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। 1965 की जंग में मैडम नूरजहां ने अपने मिल्ली नगमों से सरहद पर लड़ने वाले फौजी जवानों और कौम में नया जोश और वलवला भी भर दिया था। 23 सितम्बर की शाम 27वें रमजान के दिन पाको हिंद की ये मशहूर और मारूफ फनकारा अपनी खालिक की हकीकी से जा मिली। और आप न्यूज स्टूडियो से फिल्म कितना है, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप न्यूज।